हेलो गाइस, मेरा नाम वसीम रजा है। मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है और ये हमारा पहला ब्लॉग है। तो वसीम, क्या कहना चाहते हैं आप सब लोग? कैसे होप्स हो आप सब लोग? सेफ हो? आज हम लोग आप लोगों को कोलकाता सेंट्रल का पार्ट दिखाना चाहते हैं। काफ़ी पब्लिक और काफ़ी भीड़ भाड़ एरिया है, मतलब कि चलिए आपको दिखाते हैं। टाइम में ये बहुत सही लगता है। देख रहे ये ट्राम पाथ है जो कोलकाता ही में चलता है। इंडिया में सिर्फ एक ही जगह चलता है ट्राम जो कोलकाता में है। और सीधा सीधी हमारे देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान मस्जिद। ये शायद आपका 1874 में बना था ये मस्जिद, आप देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कितना भीड़ भाड़ इलाका है, काफ़ी मतलब रश है, बहुत रश है ये एरिया पहले से आई थिंक। मुझे तो लगता नहीं है, ये COVID-19 का टाइम है। आप देख रहे हैं कितना भीड़ है। और चलो भाई, काफ़ी गर्मी है, फट रहा हम लोगों का। हम लोगों का पहला ब्लॉग कितना सर्वाइविंग होगा पता नहीं था हम लोगों को। भाई आस्ते आस्ते है, क्या क्या कर रहा है ये? खड़ी बाजार, LIC बाजार सब है वहाँ पे। ये हमारा यहाँ का बस, ये एक इतना रफ चलाते हैं बोलिए मत। और उसके बाप WBTC ये उसके ज़्यादा रफ चलाते हैं, आपको दिख रहा है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं कोलकाता का सेंट्रल पार्ट का बेस्ट मार्केट, जो यहाँ पे बहुत चीप एंड बेस्ट में कपड़ा, वॉच एंड पर्स, कैप एंड ऑल वगैरह मिलता है। चलिए चलते हैं। वसीम जल्दी जल्दी जल्दी, ट्रैफिक हुई है भाई, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। क्या बोले यहाँ पे 150 में टी शर्ट बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। 100 देख सकते हैं, 300-400 का ये सब होता है, 150-200 का होता है चश्मा। मुजफ्फर चलते हैं ये टी शर्ट की दुकान। भैया टी शर्ट कितने का? भैया कितने का टी शर्ट? ये 200 का है, फुल 250 का है। और इससे सस्ता कुछ? भैया मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, अगर किसी को पसंद आएगा तो आपका दुकान जरूर आएगा। थैंक यू। भाई यहाँ के लोग बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत लोग को बजाते हैं। ₹50% ऑफ। भाई 100-150 में मिल रहा है, सोच रहे हो? इस प्लैनेट ग्रैंड होटल के नीचे, इसको भी लेना हो आ जाना यहाँ पे। भैया भैया का शक्ल देख लो, कोई बात नहीं है, वीडियो देख लो, भैया से आगे ले लेना। 50% ऑफ बाटा मीठा का सेल, रिगल में भी सेल, वाह, रिबॉक में भी कुछ सेल है क्या? बोलो भाई, बोलो क्या, हम लोग तो बोल ही रहे हैं भाई सबसे ब्लॉग में। भैया ये पैंट कितने का है? भैया इसका है? कितने का है भैया क्या पैंट? 200। बोल ही नहीं रहे यार कुछ, चला गया सर मुजफ्फर। अब इन लोगों का एनर्जी डाउन हो गया, पैसा नहीं कमा रहे हैं। भाई पबजी बैन हो, जिस तरीके पबजी आ रहा है ना, इसको वो आदमी का उषा मसीह भाई क्या स्टार्ट है। भैया कितने का? 100 रुपया में दो। जिसको भी लेना है आ जाए यहाँ पे, प्रमोशन करने इन लोगों का फ्री में। अबे ये लोग सही से वीडियो लेगा भाई, सही से वीडियो लेगा। भाई सही, यहाँ पे बहुत सारे सन ग्लास एंड वॉच बेचते हैं, लेकिन अभी है नहीं, पता नहीं क्यों, शायद लॉकडाउन की वजह से नहीं है, लेकिन वो लोग आ जाएंगे आफ्टर 2 एंड 3 वीक में। रेंज रोवर नहीं,
भैया गॉगल्स कितने में? भाई सब कितने का आता भैया? 150 रुपये। ऑनलाइन इंस्टाग्राम में 200-300 रुपये दाम है, 350 से ज़्यादा ही दाम। थैंक यू भैया, लेना हो यहाँ पे आ जाना न्यू एम्पायर के पास, भैया का सकल दिखा दो। ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर। और काफ़ी क्या खुल गया भाई कलर? कब खुला वो कलर? बोल ले यार। इंडिया में सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड कोलकाता ही का माना जाता है और चीप होता है काफ़ी यहाँ पे। क्या लगेगा? अच्छा होता है चीप, छोड़ दे चीप। नहीं, स्ट्रीट फूड सबसे चीप एंड बेस्ट कोलकाता ही का माना जाता है। वीडियो सही देगा? हाँ भाई चलो भाई। सब क्या प्राइस है भाई? पांडा का पांडा कितना में दे दोगे भैया? देखो भैया सस्ते में दोगे तो भैया यहाँ से बहुत सारे लोग आएंगे लेने के लिए, ब्लॉग बन रहा है। अरे भाई 1400 रेट बोलता बड़े भाई। अच्छा की बोले आपको यार, बहुत खराब है बॉस। इनको लेना होगा आप बता रहे हैं। बस इसीलिए तो बोल रहा मेरे 800 रुपये। और ये सब कितने का आते हैं? ये वाला एकदम 720 रुपये कर देंगे उसका। अरे ये कितने का? तो बोलने का 3200 रेट बोलता है, लीजिएगा एकदम पड़ेगा 1500 रुपये। आपका साइज क्या साइज आपका? 7 फीट का लगेंगे। सब खराब है इससे बोलिए 320 का है। 320 अपने गर्लफ्रेंड को भेज दें। ये 150 पड़ेगा भैया, नया मॉडल है आपका। अरे ₹300 बहुत महंगा मिलता है, अगर आप ऑनलाइन में जाइएगा ठीक है। तो हमको ये दुकान देख लो, ये भाई को भी देख लो, सब लोग ठीक। KFC के अपोजिट में, के अपोजिट में ये भाई का दुकान है इस साइड। व्हाइट हवेली देख रहे हैं आप, यह ब्रिटिश का बनाया हुआ है, ब्रिटिश चल गए पर ये व्हाइट हवेली अभी तक है यहाँ पे। सो गाइस आज का हमारा पहला ब्लॉग ख़त्म होता है यहीं पे। बहुत यार मेहनत लगता है, इतना कड़क धूप में ब्लॉग बनाना मुश्किल है यार, ईजी नहीं है। जितना आदमी को लगता है ब्लॉग देखने के बाद ये बना लेंगे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट टाइम और दोबारा अच्छा मेहनत करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा ख़राब लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।